IPL 2024 का 16वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच विशाखापट्टनम में खेला गया। इस मैच को KKR ने 106 रनों के विराट अंतर से जीता। कोलकाता की 3 मैचों में ये लगातार तीसरी जीत है। मैच की बात करें तो कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। सुनील नारायण ने 39 गेंदों में 85 रन जड़े। उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के मारे। IPL में सुनील नारायण का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है। इसके अलावा अंकृष रघुवंशी ने 54 और आंद्रे रसेल ने 41 रन की पारी खेली। दिल्ली की तरफ से एंडिक नौजे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। शान शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। अनिल अहमद और मिचेल मार्श के खाते में 1-1 विकेट आया। 273 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की पूरी टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर ढेर हो गई। कप्तान ऋषभ पंत ने 25 बॉल में 55 रन बनाए, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 54 रनों की 50 जमाई। वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट हासिल किए। 2 विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए। इसके अलावा 1-1 विकेट आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को मिला। ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद कोलकाता पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गया है। 3 मुकाबलों में उनके 6 अंक हो गए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर फिसल गया।